अरे क्या मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हो आप। एक्सक्यूज मी, घर जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनादर मीशो हॉल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्रेसेस का कलेक्शन। जो सारी ड्रेसेस है ना, आप इन्हें बर्थडे के लिए भी पहन सकते हो एंड आप इसे वैलेंटाइन पे भी पहन सकते हो। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस हैं एंड मैं इस हॉल को करने के लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी ड्रेसेस परचेस करी है ना, उनका जो प्राइस है ना, वो आप देख के रह जाओगे। क्योंकि मैंने इस बार कोशिश करी है कि मैं जितनी भी ड्रेसेस लूँ वो अच्छी भी हों, लुक भी उनका बहुत अच्छा है एंड ट्रेंडी भी लगे, उसमें आप क्यूट भी लगो। अगर आपको हॉट एंड सेक्सी लुक करना है तो उसके लिए भी ड्रेसेस हैं आज मेरे पास। तो यस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एंड ये जो सारी ड्रेसेस है ना, अंडर 1000 हैं, तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि मतलब मैं स्किन केयर से रिलेटेड अगर चीज़ें डालूँ तो उसमें भी कि हम ये चीज़ें नहीं परचेस कर सकते हैं, तो मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ यार हर किसी के पास अच्छा स्किन केयर हो, हर किसी के पास अच्छी ड्रेसेस हो। तो इसलिए मैंने जितनी भी ड्रेसेस परचेस करी हैं उनका प्राइस आई गेस 500 से भी ज़्यादा नहीं है, मैंने 1000 से नीचे ही रखा है। तो यस, अगर आपको पसंद आता है ना कुछ, तो आप डेफिनेटली परचेज़ करना, और करो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने परचेज़ करा। एंड वन मोर थिंग, मैंने लास्ट मंथ आई गेस गिव अवे अनाउंस करा था, तो उसका जो विनर है वो आपको उसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है ना या कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर विनर का नाम पिन कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। ओके, तो एंड लेट मी नो अगर आप लोगों को और गिव अवेज चाहिए हैं, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने सबसे पहले परचेस करी थी ये ड्रेस, एंड साथ ही साथ ना मैं आपको प्राइस भी दिखाती, बट अभी मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फ़ोन से, तो जो प्राइस होगा मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा, हाँ सॉरी कर दूँगी। तो ये ना मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेस करी थी, आई गेस 1-2 मंथ हो गए हैं इनको परचेस करे हुए, तो अब मुझे इनके प्राइजेस याद नहीं हैं। बट फर्स्ट है ये ड्रेस एंड ये ऑफ वन शोल्डर है, नॉट ऑफ शोल्डर, ये वन शोल्डर है। एंड यहाँ से इसका जो नेक लाइन आता है ना, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ना मुझे। मतलब इसका जो टोन है ना वो मेहरूनिश टोन में है, रेड नहीं है प्रॉपर, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ओके, तो मुझे इसकी दो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। पहला, इसका जो साइज़ है ना वो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल या एस लिया है, एंड ये ना मुझे हल्की सी लूज़ है, मतलब वैसे तो सही आती है बट यहाँ से ये हल्की सी लूज़ है एंड इधर से ये गिर जाता है मेरा, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है इसको पहनना, बट ये पहनने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड यस, एक शोल्डर है इसमें, बाकी बैक से भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है एंड ट्रायल में आपको दिख जाएगा। बाकी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल एक तो यहाँ इस चीज़ के वजह से है क्योंकि ये गिरता है, एंड दूसरी चीज़ ये बहुत ही चुभता है, इसके जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस की जो क्वालिटी है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ओवरऑल इसका जो लुक आया वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड फोटोज़ में ये बहुत बहुत ज़्यादा बॉम लगती है, तो वैसे मुझे पसंद आया। तो वैसे भी ऐसी टाइप की ड्रेसेस हम एक ही दो बार पहनते हैं तो उनके लिए परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट मैंने परचेस करी ये ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस, एंड इसकी जो नेक लाइन है, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा प्रिटी है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस टाइप की आती है ये प्रॉपर, मतलब जो हार्ट प्रॉपर हार्ट शेप भी नहीं है बट ये इस टाइप का है कुछ, पहनने पे बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका जो फिट आता है इतना ज़्यादा गॉर्जियस फिट है इसका, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। एंड इसका प्राइस भी 300-400 समथिंग का है एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड इसकी जो लेंथ है वो फ्लोर लेंथ आती है, अगर आपकी हाइट 5'3" है तो ये आपको परफेक्ट लेंथ में आ जाएगी, तो झाड़ू नहीं लगती है इससे बट फ्लोर लेंथ तक आ जाती है, तो 5'3" के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट 5'3" से ज़्यादा है तो थोड़ी सी शॉर्ट होगी नीचे से एंड वो लुक अच्छा नहीं आएगा। एंड इसका जो फैब्रिक है वो इस टाइप का है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, रिब्ड फैब्रिक या क्या फैब्रिक है ये, बट ये विंटर्स के लिए भी परफेक्ट हो, क्योंकि ये जो ड्रेसेस है ना ये समर ड्रेसेस है, क्योंकि वैलेंटाइन फेब में आता है एंड तब सर्दियाँ रहती हैं, तो अभी कोई मुझे ये ना बोले कि आप सर्दियों में कैसे पहनोगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप जैकेट कैरी करना, एंड इसके नीचे जो स्टॉकिंग्स हैं ना, फ्लीस वाले स्टॉकिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं अभी, आई नो आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो आप वो इसके नीचे पहन।
एंड ये ड्रेस ना उनके लिए परफेक्ट है जिनको बॉडीगार्ड ड्रेसेस पहनना पसंद है, क्योंकि इससे जो लुक आएगा ना वो इतना ज़्यादा सुंदर आएगा। तो यस, अगर आप पूरे हॉल में से कुछ भी परचेज करना चाहें तो इस ड्रेस को एक बार कंसीडर ज़रूर करना, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यस, ओवरऑल इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी 10/10 है। एंड फिर नेक्स्ट मैंने परचेस करी थी ये शॉर्ट ड्रेस, एंड ये भी बॉडीगार्ड ड्रेस है। तो इसका जो फैब्रिक है ना ये जॉर्जेट में है, एंड यहाँ पे ये रेड कलर के फ्लावर प्रिंट बने हैं। तो वैसे अगर इसको देखा जाए ना तो ये ऐसा लगता है जैसे साड़ी के फैब्रिक से बना दी गई हो, बट पहनने पे इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। पीछे यहाँ पे ये इलास्टिक वाला पैटर्न दिया है जिससे ये पीछे से बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है, अगर लूज़ है तो लूज़ नहीं लगती। इसका भी जो फिट आता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। इसकी जो लेंथ है वो नीज से थोड़ा सा ऊपर रहेगी। यस, ओवरऑल इसका भी लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके अंदर लाइनिंग भी है तो सी थ्रू का इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाहर वाला फैब्रिक है ना ये हल्का सा पतला है तो इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल जाएगी, तो यस सी थ्रू की भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना बर्थडेज में कैरी करना बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी लगेगी। ये भी इसके साथ भी आप वो जो स्टॉकिंग्स है ना फीज वाले वो कैरी कर सकते हैं, जैकेट कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं इतना रिवीलिंग पसंद है तो आप इसके अंदर ना हाई नेक जो इनर्स हाई नेक टॉप आते हैं ना विंटर वाले वो कैरी करना, इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना। इसके साथ आप वाइट हाई नेक वाला टॉप जो है वो कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। हाई बूट्स पहन लीजिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स ईयर रिंग्स एंड रिंग्स वगैरह, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इतनी ज़्यादा सुंदर ड्रेस, इतना ज़्यादा अच्छा फिट, इतना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इससे। एंड ये सिर्फ 300 समथिंग की है तो ये परफेक्ट है, आप इसको डेफिनेटली परचेस करना। तो उसके बाद मैंने परचेस करी थी ये वाली ड्रेस, तो ये वाली फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है, मैंने कहाँ रख दी है। बट इसका जो ट्राई ऑन है वो मैं आपको ढूंढ के ट्राई ऑन करके फिर आपको दिखा दूंगी। तो यस, ओवरऑल इसका भी जो लुक आता है ना परफेक्ट है। बट ये और ये जो ब्लैक ड्रेस है ना ये थोड़ी सी सिमिलर, इसका जो फैब्रिक है वो वेलवेट में है एंड इसका जो स्लिट आता है ना वो साइड स्लिट है जैसे इसमें है। लेंथ इसकी नी लेंथ तक आती है एंड ये वाली ड्रेस ना विंटर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि फैब्रिक इसका वेलवेट का है तो हल्की सी गर्मी भी लगेगी। एंड अगेन इसको भी आप जैकेट के साथ पेयर कर सकते हो एंड स्टॉकिंग्स नीचे डाल के हील्स भी आप इसके साथ हील्स कैरी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यस, ये सारी ही ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्राइस आपका बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड ये सारी ड्रेसेस की क्वालिटी 10/10 थी, बस इस वाली रेड ड्रेस की थोड़ी सी मुझे नहीं अच्छी लगी क्योंकि चुभ रहा है साइड से। बाकी ओवरऑल हर ड्रेस की क्वालिटी अच्छी है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। परचेस करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यस, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।